नजर रखबो मन की बात अनुष्ठाने। बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले ही 21 अक्टूबर को हमने पुलिस स्मृति दिवस मनाया है। पुलिस के जिन साथियों ने देश सेवा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं, इस दिन हम उन्हें विशेष तौर पर याद करते हैं। मैं आज अपने इन पुलिस कर्मियों के साथ ही उनके परिवारों को भी याद करना चाहूंगा। परिवार के सहयोग और त्याग के बिना पुलिस जैसी कठिन सेवा बहुत मुश्किल है। पुलिस सेवा से जुड़ी एक और बात जो मैं मन की बात के श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। पहले धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या डबल हो गई है, दोगुनी हो गई है। 2014 में जहां इनकी संख्या 1,05,000 के करीब थी, वहीं 2020 तक इसमें 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये संख्या अब 2,15,000 तक पहुंच गई है। यहां तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी पिछले 7 सालों में महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। और मैं केवल संख्या की बात नहीं करता, आज देश की बेटियां कठिन से कठिन ड्यूटी भी पूरी ताकत और हौसले से कर रही हैं। उदाहरण के लिए, कई बेटियां अभी सबसे कठिन मानी जाने वाली ट्रेनिंग में से एक स्पेशलाइज्ड जंगल वॉरफेयर कमांडोज की ट्रेनिंग ले रही हैं। ये हमारी कोबरा बटालियन का हिस्सा बनेगी। साथियों, आज हम एयरपोर्ट जाते हैं, मेट्रो स्टेशन जाते हैं या सरकारी दफ्तरों को देखते हैं, CISF की जांबाज महिलाएं हर संवेदनशील जगह की सुरक्षा करते दिखाई देती हैं। इसका सबसे सकारात्मक असर हमारे पुलिस बल के साथ साथ समाज के मनोबल पर भी पड़ रहा है। महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी से लोगों में, विशेषकर महिलाओं में, सहज ही एक विश्वास पैदा होता है। वे उनसे स्वाभाविक रूप से खुद को जुड़ा महसूस करती हैं। महिलाओं की संवेदनशीलता की वजह से भी लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारी ये महिला पुलिसकर्मी देश की लाखों और बेटियों के लिए भी रोल मॉडल बन रही है। मैं महिला पुलिसकर्मियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे स्कूलों के खुलने के बाद अपने क्षेत्रों के स्कूलों में विजिट करें, वहां बच्चियों से बात करें। मुझे विश्वास है कि इस बातचीत से हमारी नई पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी। यही नहीं, इससे पुलिस पर जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आगे और भी ज्यादा संख्या में महिलाएं पुलिस सेवा में शामिल होगी, हमारे देश की न्यू एज पुलिसिंग को लीड करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उस पर अक्सर मुझे मन की बात के श्रोता अपनी बातें लिखते रहते हैं। आज मैं ऐसे ही एक विषय की चर्चा आपसे करना चाहता हूं जो हमारे देश, विशेषकर हमारे युवाओं और छोटे छोटे बच्चों तक की कल्पनाओं में छाया हुआ है। ये विषय है ड्रोन का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का। कुछ साल पहले तक जब